मैं आपको बता दूं कि हमारी फ्रिज में क्या क्या है। ये है टिंडे, ये है टमाटर। सो गाइस, ये आटा है, इसमें दूध दूध। वाह वाह वाह, कितना दूध है हमारे घर में। ओहो, सो ये दवाई है, बताऊंगी किसकी है। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो वो दिखाऊंगी आपको। सो मैं लगी हूँ फ्रिज को साफ़ करना, सो इसीलिए आपको दिखाती भी चल रही हूँ कि हमारे फ्रिज में क्या क्या है। ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ भरा हुआ भी नहीं है। सो गंदी हुई हुई है, इसीलिए हमने कहा साफ़ कर लें। अच्छा, ये हैं देसी अंडे, ठीक है, और इन पे लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंडे हैं ये। और ये किसके हैं, ये मुर्गी के अंडे हैं, देसी मुर्गी के अंडे हैं ये, ठीक है। इस पे ये नाम इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि अभी ये हम मुर्गी को देंगे, फिर उसके बाद ये जो है ना बच्चे हो जाएंगे, छोटे छोटे चूजे हो जाएंगे उसके बाद। ये मैंने पूरा ही साफ़ कर लिया, इसका डोर, इस डोर में ही कुछ ज़्यादा ही सामान था। ओए होए कॉकरोच, तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं आज। ये पूरी खाली हो गई है और ये बहुत गंदी भी हो गई है, तो अभी से साफ़ कर लेते हैं हम, फिर मैं आपको दिखाती हूँ मेरी अच्छी न्यू क्लीन फ्रिज। रुक जा बेटे, कर ले मस्ती जितनी करनी है। सो गाइस, ये मैंने क्लीन कर ली थी और इसमें एग भी रख लिए थे, ये ठंडी थी। अच्छा, इसके मैंने सारे निकाल लिए थे। कैसी लग रही है ये? अच्छा, तो ये लगा रही हूँ इनके। अच्छा, ये सारी दवाइयाँ जो है ना हमारी मुर्गियों की हैं, ये हमारे नहीं हैं, शायद कोई सोच ले ये इतनी दवाएँ खाते हैं। देखें, तो ये जितनी भी दवाइयाँ मैं लगा रही हूँ ये सारी मुर्गियों की ही हैं। क्योंकि हमारे घर में बड़ी तादाद में मुर्गियाँ, मुर्गे और उसके छोटे छोटे बच्चे, ये भी दवाई मुर्गियों की है। ये कुछ सिरिंज भी हैं, ये भी लगती हैं जब बीमार हो जाते हैं, तो आपको पता है कि ज़्यादातर मुर्गियों में ज़्यादा बीमारी होती है। सो ये मेरे नहीं है, ये जिनकी है ये काम मैं नहीं करती। ये भी देखें मुर्गियों की है, तो ये चम्मच भी उनका है, पीती है। तो कर ली अपनी फ्रिज को क्लीन। आप बताएं आप अपने फ्रिज को कैसे रखते हैं। कंप्लीट हो गई,
अच्छा ये भी आपको दिखा दूँ, हमारे फ्रिज में देसी अंडे होते हैं, देसी अंडे, हम बाहर के अंडे नहीं खाते। जब घर में हो तो फिर बाहर से क्यों मंगवाएं। और ये जब इनमें ये खाने की नहीं है, उनसे अच्छा इस बॉल में भी अंडे रखते हैं पर आज नहीं। तो ये रही मेरी कंप्लीट वीडियो, बताएं आप। मैं वैसे मेरी फ्रिज ज़्यादा गंदी नहीं होती है, मैं जल्दी जल्दी साफ़ कर लेती हूँ ना, इसीलिए। ये ऐसे मैं बाहर से भी साफ़ कर रही थी क्योंकि ये बाहर से भी गंदी हुई है, ये देखिए ना मिट्टी मिट्टी, तो इसको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने अपनी पूरी ताकत जब अपनी फ्रिज पर लगाई ली थी, उसके बाद मैं थक गई, मैंने कहा चलो अब कंप्लीट हो गई।